हेलो दोस्तों, नेचर ने कई चीज़ों को बहुत बड़ा बनाया है जबकि कई चीज़ों को बहुत ही छोटा। तो चलिए आज हम मिलवाते हैं आपको ऐसे ही कुछ क्रिएचर से। सबसे पहले इस रैबिट को देखिए, यह साइज में इतना बढ़ गया है कि इसका वजन 80 kg के करीब है और यह फुल्ली ग्रोन इंसान के बराबर दिखता है। कुत्ते की साइज से भी काफ़ी बड़ा दिखने वाला खरगोश है। जब कुत्तों की बात आती है तो तिब्बतियन प्रजाति के इस कुत्ते को देखिए, जिनका वेट 100 kg से भी ज़्यादा हो गया है और इसकी ऊंचाई 9 feet के करीब है। आप सभी को पता है कि सन अर्थ के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये आप इस फोटो में देख सकते हैं। रेड कलर के इस जाइंट सन के आगे धरती सिर्फ एक डॉट की तरह नज़र आती है। व्हाइट कलर की जो आप ये चीज़ देख रहे हो, ये चावल का एक दाना है और इसके साइड में रखा है दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर। हालांकि ये नेचर ने नहीं बल्कि इंसान ने बनाया है। इंसान द्वारा बनाई गई इस क्रिएचर को देखिए, मिस्र के पिरामिड जो आप सभी ने जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इसके अंदर लगे एक एक पत्थर की ऊंचाई करीब 3 या 4 feet या कई बार उससे भी ज़्यादा है। इस फोटो में आप देख सकते हो कि 2 पत्थरों की ऊंचाई करीब एक फुल्ली ग्रोन 6 feet इंसान के करीब है। उस टाइम पर इन्होंने ये इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाए होंगे, आप सोच सकते हैं। ये है दुनिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा कछुआ, जो कि एक स्ट्रॉबेरी के आकार का होता है। कछुओं की कुछ प्रजाति बहुत ही छोटी होती है जबकि कुछ प्रजातियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। इस फोटो में आप देख सकते हो सी टर्टल, जिसकी लंबाई करीब 10 फुट के करीब रहती है और उनका वजन 500 केजी से भी ज़्यादा हो सकता है। एक इंसान के मुकाबले में कितना बड़ा दिखाई दे रहा है आप सोच सकते हो। कई पेड़ बहुत ही ज़्यादा विशालकाय हो जाते हैं। इस पेड़ को देखिए, इस पेड़ का डायमीटर 6 feet के एक आदमी की बजाय कितना ज़्यादा लग रहा है। हालांकि पेड़ और भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उदाहरण के तौर पर आर्कटिक में पाए जाने वाले ये रेड ट्री, जिनका डायमीटर ही 10 feet या उससे भी ज़्यादा हो जाता है और ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा। आप इंसान के मुकाबले में इनकी ऊंचाई और चौड़ाई देख सकते हैं। बैट्स यानी कि चमगादड़ बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन इस फोटो में दिखाया गया ये चमगादड़ 3.5 feet का है, जो कि इंसानी बच्चे के बराबर है और इसका वजन भी 30 kg तक है। भालू यानी कि बियर काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन उनकी जीभ भी काफ़ी बड़ी होती है। जब वो अपनी जीभ पूरी निकाल लेते हैं तो उसकी लंबाई करीब 1 feet के करीब हो सकती है। टाइटैनिक जहाज काफ़ी बड़ा था, आप सभी को पता है, लेकिन आज के ज़माने के जहाज टाइटैनिक से भी बहुत बहुत बड़े हैं। इस फोटो में राइट की तरफ दिखाया गया टाइटैनिक जहाज है, जबकि लेफ्ट की तरफ दिखाया गया मॉडर्न ज़माने का जहाज। बाज के पंजे काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और बड़े भी। इस फोटो में आप देख सकते हो कि एक बाज का पंजा इंसानी पंजे के मुकाबले कितना ज़्यादा स्पंजी और ताकतवर दिखाई दे रहा है। एनाकोंडा मूवी आपने सभी ने देखी होगी। ये देखिए रियल में एनाकोंडा जो कितना बड़ा है, जो आसानी से एक इंसान को निगल सकता है बिना डकार लिए। चूहे की प्रजाति का यह जीव काफी बड़ा है और इसका वजन भी 90 kg के पास है। इस तरह के क्रिएचर्स बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब इन महाशय को देखिए, इनका नाम है, चलो नाम में क्या रखा है, ये अपनी वाइफ के साथ देखिए कितने भारी भरकम नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे ही अपने खली भाई साहब भी हैं। कुछ विल्ड पीस बहुत ही बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में पाया जाने वाला यह विल्ड पीस देखिए, जिसकी ऊंचाई ही 10 फीट के करीब है। यह एक विशालकाय जीव नजर आता है। व्हेल मछली सभी को पता है काफी बड़ी होती है, लेकिन कितनी बड़ी ये आप इस फोटो में देख सकते हो। ये काफी बड़ी बोट है और इसके मुकाबले में व्हेल मछली का सिर्फ एक 20% पार्ट आपको नजर आ रहा है। दुनिया में पाए जाने वाले बड़े बड़े ट्रकों की जब हम बात करते हैं, तो कोल माइनिंग में यूज होने वाले ये ऑस्ट्रेलियन ट्रक देखिए कितना बड़ा है,
जो राइट साइड में दिखाए गए फुल्ली बड़े से बड़े ट्रक के मुकाबले में कितना बड़ा नजर आ रहा है। जेलीफिश समुद्र में पाए जाने वाला एक जीव है जो इतने बड़े नहीं होते, लेकिन इस फोटो में दिखाई गई जेलीफिश बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है, शायद दुनिया की सबसे बड़ी जेलीफिश। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।